चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपने लोगों ने बात की थी 2D शेप्स के बारे में, ठीक है। तो 2D का सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा कि आप 3D जो मॉडल्स हैं उनके अंदर किस तरह से एडिटिंग कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग से मैं सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि सेगमेंट्स को आप कहाँ पे यूज में लेना है, तो आज वाली क्लास में उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है, कलर थोड़ा इसका लाइट है, कोई भी डार्क कलर ले लो आप इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। लेंथ आप लेंथ वेड़ हाइट को ये कुछ भी सेट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे सेगमेंट थोड़े से इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। सेगमेंट का क्या रोल रहता है ये अपने को अच्छे से समझना है इसके अंदर, एडिटेबल पॉली के अंदर। यहाँ पे मैंने सेगमेंट इंक्रीज कर दिए 7, 8, 9 तक कर दो। यहाँ पे सेगमेंट इंक्रीज कर दिए, यहाँ पे सेगमेंट इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अब जिस तरह से 2D शेप के अंदर उसकी कंट्रोलिंग अपने तीन टाइप से कर सकते हैं, या तो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर कोई सेगमेंट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर आप उसको पूरा जो एसपी लाइन है उसको सिलेक्ट करके कर सकते हो। इसी तरह से जैसे मेरे पास ये 3D मॉडल है, तो इसकी कंट्रोलिंग आप कैसे कर सकते हो, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी मान लो आपको जो भी चेंज करना है अभी आप चेंज कर सकते हो, सेगमेंट चेंज कर सकते हो, लेंथ विड्थ हाइट को भी चेंज कर सकते हो, बट एक बार ये कन्वर्ट हो गया एडिटेबल पॉली के अंदर, उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, अभी एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप जैसे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे बॉक्स नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा एडिटेबल पॉली, ठीक है, और उसमें मॉडिफाई भी करोगे तो मॉडिफाई होगा नहीं अब इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह से अपने लाइन को या 2D से जो भी बनाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एडिटेबल एसपी लाइन के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे कंट्रोलिंग करते हैं वर्टेक्स से, सेगमेंट से एंड एसपी लाइन से। इसकी कंट्रोलिंग अपने 5 टाइप से कर सकते हैं, वर्टेक्स से कर सकते हैं, ठीक है, एज से कर सकते हैं, इसके अलावा बॉर्डर है, देन आपका पॉलीगन है, देन एलिमेंट है। तो एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इनके अंदर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एडिटेबल पॉली के अंदर सिलेक्शन लिखा हुआ रहा है, मान लो मैंने मेरे को वर्टेक्स सेलेक्ट करने है, वर्टेक्स पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके वर्टेक्स आ रहे हैं। अब मान लो मैंने इस तरह से वर्टेक्सेस को सेलेक्ट किया, ठीक है, मेरे को सिर्फ इतने वर्टेक्स सेलेक्ट करने थे, बट देखो यहाँ पे पीछे के भी आपके वर्टेक्सेस सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सिलेक्शन का तरीका समझो, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको इग्नोर बैक फेसिंग, ठीक है, 2022-23 के अंदर यहाँ पे इग्नोर बैक फेसिंग है, और किसी लोअर वर्जन के अंदर ओनली बैक फेसिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको इग्नोर करना है, इस पर यहाँ पे चेक मार्क करना है बैक फेसिंग पे। अब क्या होगा, आप अगर जिस फेस पे सेलेक्ट करोगे सिर्फ वो ही वर्टेक्सेस सेलेक्ट होंगे, पीछे के वर्टेक्सेस सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ से एक सेकंड इसको प्रॉपरली फ्रंट में लो, अब देखो आपके पीछे के कोई भी वर्टेक्सेस सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो आराम से आप कहीं पे भी कोई भी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हो, पीछे के कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है, उसके बाद आपका होता है एज। एज जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा तो ये एज मेरा सेलेक्ट हो गया। आपको एक साथ एज सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल प्रेस करो, और जितनी एजेस सेलेक्ट करनी है उतनी सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको मान लो यहाँ पूरे रिंग की एज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है रिंग का, मैंने रिंग पे क्लिक किया, ये देखो ये चारों तरफ की जो है एजेस सारी सेलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है एज के अंदर लूप का, एक एज मैंने यहाँ से सेलेक्ट की, पर्टिकुलरली आप इसको लूप करते हो, मैं इस तरह से तो सेलेक्ट कर ही सकता हूँ कंट्रोल के साथ, बट ऐसे सेलेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, कंट्रोल प्रयास करके और एक एक को सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने यहाँ लूप पे क्लिक किया, लूप पे क्लिक किया तो देखो ये चारों तरफ का एजेस इस तरह से मेरा सेलेक्ट हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं श्रिंक और ग्रो का। जैसे मान लो आपने कोई वर्टेक्स लिया, इस वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अभी ये एक वर्टेक्स सेलेक्ट है, जैसे मैं ग्रो पे क्लिक करूंगा ये देखो चारों साइड के अंदर एक एक वर्टेक्स और ऐड हो गया, ठीक है, और ग्रो पे क्लिक करूंगा देखो और वर्टेक्स ऐड हो गए चारों साइड में, ठीक है। तो इन वर्टेक्स पे मैं आप कोई भी एक्शन ले सकता हूँ, जैसे मैंने इस साइड में इसको पकड़ा और ये मैंने इस तरह से इसको बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की एडिटिंग जो है आप सिर्फ एडिटेबल पॉली से ही कर सकते हो।
एडिटेबल पॉली से आप चाहो तो किसी का फेस भी पूरा क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर मॉडलिंग भी कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। बट अपने वो तो ना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको इंटीरियर के अंदर या आपके जो भी एलिवेशन है आपको उतना ही सीखना है इसके अंदर। कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस। अब मान लो इनको वापस से मेरे को कम करना है, तो यहाँ पे मैं श्रिंक करूंगा, श्रिंक करूंगा तो देखो यहाँ पे वर्टेक्सेस कम होते जाएंगे, ये कम हो रहे, ठीक है, यहाँ पे बच गए ओनली। एक बार और श्रिंक करूंगा तो ओनली एक वर्टेक्स बच गया आपकी, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक टूल थे। अब आपको इसके अंदर समझना ये है कि कौन कौन से टूल्स का आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। वर्टेक्स से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, कुछ बेसिक ऑप्शंस को आज वाली क्लास के अंदर देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ छोटा मोटा डायग्राम भी ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये सब ऑप्शन आपको मान लो जैसे वर्टेक्स है, मैंने किसी वर्टेक्स को सिलेक्ट किया यहाँ से, तो आपको राइट क्लिक करके भी ये सेम ऑप्शन आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने एक वर्टेक्स को यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, जैसे मेरे पास ये ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं कुछ, एक्सट्रूड का, कनेक्ट का, ब्रेक का, रिमूव का, ये सब यहाँ भी आ रहे हैं, रिमूव, ब्रेक, एक्सट्रूड, वेल्ड और ये सब ऑप्शन, ठीक है। तो एक्सट्रूड से स्टार्ट करते हैं फर्स्टली। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव का, अगर आप इसको रिमूव करते हो, ठीक है, मान लो मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ नॉर्मल, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इससे जुड़ी हुई जो भी फेसेस है वो सारी डिलीट हो जाएगी। देखो ये सारी डिलीट हो गई, आपका अंदर का जो पार्ट है वो दिखाई दे रहा है बॉक्स के, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं और इस वर्टेक्स को मेरे को अगर हटाना है तो मेरे को करना चाहिए इसको रिमूव। ये देखो इस तरह से इसमें इससे जुड़ी हुई जो भी एजेस है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट जो है पॉलीगन यहां पे इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट एक्सट्रूड, उसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आपको टॉप फेस पे आ जाओ, यहाँ पे मैं किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ता हूँ और इसको करता हूँ एक्सट्रूड। अब ये वाले जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको एक्सट्रूड पे क्लिक नहीं करना होता, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना होता है, जैसे कि उसके सारी प्रॉपर्टीज आपको विजुअलाइज हो जाती है, देख के उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक आपको ब्रेक भी है, देखो ब्रेक भी बता देता हूँ आपको साथ में। ब्रेक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इस वर्टेक्स पे मैंने ब्रेक कर दिया, अब होगा क्या, यहाँ पे आप इसको पकड़ोगे और मान लो मैं ऊपर या नीचे लेके जाऊंगा, तो मान लो इस तरह से, तो ये देखो ये सारी वर्टेक्स अलग हो गई, इसको पकड़ा मैंने, ये देखो ये नीचे जा रही है, इसको पकड़ा मैंने, ये यहाँ और नीचे इस तरह से, ठीक है। तो देखो सारे जो है वर्टेक्सेस अलग अलग हो गए, सारे वर्टेक्सेस ब्रेक हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर इनको वेल्ड करना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ फ्यूज का ऑप्शन नहीं है, वरना फ्यूज से क्या एक पोजीशन पे ले आते और इनको वेल्ड कर सकते थे, ठीक है। तो कोई भी एक ही पोजीशन पे तो उसको तो मैं वेल्ड कर सकता हूँ, बट इसके अंदर मेरे को यूज करना पड़ेगा अब इनको वापस से ज्वाइन करने के लिए टारगेट वेल्ड। टारगेट वेल्ड पे मैंने क्लिक किया, मान लो इसको मैं सिलेक्ट कर रखा है, तो यहां से आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है, इस पे मैंने कर दिया, यहां से क्लिक एंड ड्रैग करना है इस पे, यहां से क्लिक एंड ड्रैग करना है इस पे, ठीक है। तो वापस से वो दो फेसेस है उस तरह से हो गए। तो रिमूव, ब्रेक, वेल्ड, टारगेट वेल्ड, इनकी एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, सारे इंपॉर्टेंट है चीजें ये। उसके बाद अपना एक्सट्रूड, एक्सट्रूड की बात करते हैं। यहां से मैंने वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, एक्चुअली टारगेट वेल्ड लगा हुआ, इसको पहले बंद करेंगे। अब यहां से एक्सट्रूड, इसको वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सट्रूड के पास में जो बॉक्स है छोटा सा, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी लग गई है, वो पॉइंट जो एक्सट्रूड हो गया है। अब ऊपर वाला जो है वो तो हाइट को चेंजेस करने के लिए है, ठीक है, और नीचे वाला आपका जो है वो मान लो नीचे से आपको कोई थिकनेस वगैरह ये चीजें चेंज करनी, तो ये उसके लिए है, ठीक है। अगर आपको इसको फाइनल रखना है तो यहाँ पे राइट कर दीजिए, ये फाइनल हो जाएगा आपको, ये आपके फाइनल ज्योमेट्री हुए। इसके अलावा चैम्फर के अंदर क्या होगा, जैसे मैं कोई वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चैम्फर करता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज आ गई है, ठीक है। अब आप देखिए किससे क्या चीजें चेंज हो रही है, जैसे यहां से सबसे पहले ये देखो इस तरह की शेप क्रिएट हो रही है चैम्फर की, ठीक है।
सेगमेंट्स में एक दो तीन चार जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से स्मूथनेस मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये स्मूथनेस अगर आपको 3D में देखनी है तो आपको जैसे ऑप्शन ये वाला यहाँ पे नहीं करके चैम्फर कोई ऐसी जगह पे करो जहाँ पे जैसे मान लो ये वाला ले लो आप, यहाँ पे मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर यस कर देता हूँ, इस वाले वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करता हूँ, ये देखो। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसे तो आपका ये हाइट कितनी है वो डिसाइड करनी है आपको। फिर आपको यहां से मान लो अगर मैं इसको कर देता हूँ जीरो, जीरो कर दिया तो देखो चैम्फर आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो सेगमेंट्स को जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा आपको उस हिसाब से जितनी गोलाई वगैरह चाहिए वो चीज आ गई। ठीक है, इसकी जो है इस तरह से हाइट वगैरह जो है चेंज करनी हो ओनली चैम्फर्ड पार्ट की हाइट चेंज करने के लिए, उसके बाद इसके अंदर जितनी आपको या मान लो ये हटाना है तो ऊपर से हटा भी सकते हो, लगाना है इसको वापस लगा सकते हो, इसमें स्मूथनेस वगैरह जो है इसकी किस तरह से इंक्रीज करनी है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज है, तो इस तरह की शेप को मेरे को क्रिएट करना है तो यहां से इसको राइट कर देता हूं मैं, तो इस तरह की शेप मेरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक यहाँ पे होता है कनेक्ट का ऑप्शन, जैसे मेरे को दो वर्टेक्सेस को कनेक्ट करना है, यहाँ पे आपके मान लो दो वर्टेक्सेस आ रहे हैं आपका, मान लो एक ये वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स है, इन दोनों को मेरे को कनेक्ट करना, तो पहले कंट्रोल से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से दोनों को सिलेक्ट किया देन यहाँ पे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हो गया, तो ये जो है पॉलीगन था वो दो सेगमेंट्स में और डिवाइड हो गया, यानी कि आप दो तरह से उसको और एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मान लो ये तो आपका हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, बट इसमें कनेक्ट लगा रहा हूं तो हो नहीं रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बीच में इसको एक सेगमेंट और चाहिए या एक वर्टेक्स और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स मैं कैसे ऐड करूंगा, जैसे नॉर्मली 2D के अंदर अपने क्या करते हैं वर्टेक्स ऐड करने के लिए रिफाइन को यूज करते हैं, बट इसके अंदर रिफाइन वाला मेथड नहीं लगेगा, इसके अंदर अगर आपको वर्टेक्स ऐड करना है तो पहले आप एज पे जाओ, इस एज को आपने सेलेक्ट कर लिया तो एज के अंदर आप यहाँ पे देखोगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट वर्टेक्स का आता है, इस पे आपने क्लिक किया और जहां पे भी आपको वर्टेक्स इंसर्ट करना है मैंने यहाँ पे वर्टेक्स को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, वर्टेक्स पे वापस से क्लिक करना है, ये मेरा हो गया पहला वर्टेक्स, कंट्रोल के साथ ये सेकंड वर्टेक्स, ये मेरा थर्ड वर्टेक्स, इन तीनों को जब आप सेलेक्ट करोगे और फिर कनेक्ट करोगे तो आपका ये कनेक्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि बीच में एक सेगमेंट आपका और आ रहा है, तो इस तरह से आपको क्या करना है इसको कोई भी नए जो है वर्टेक्स को इस तरह से ऐड करना है, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाके कोई भी एज लिया, एज पे आपने सेलेक्ट किया देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट वर्टेक्स का। ठीक है, तो फर्स्टली जब आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हो तो ये वाले जो ऑप्शन रहते हैं मोस्ट कॉमनली यूज आप कोई नहीं कोई करना होता है। ठीक है, तो इनको आप एक बार यूज करके देखिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एज के बारे में। ठीक है, मान लो मैं कोई एज सेलेक्ट करता हूं, यहां से मैंने कोई एज सेलेक्ट की, इंसर्ट वर्टेक्स का ऑप्शन, तो इसमें भी मैं वर्टेक्सेस को इंसर्ट कर सकता हूँ इंसर्ट वर्टेक्स करके, और उसके बाद मान लो रिमूव, अब एक तो मान लो यहाँ पे मैं अगर इसको डायरेक्टली अगर डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट किया तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पूरा हॉल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल जेड किया मैंने वापस से और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिमूव, इसको रिमूव करूंगा तो इस तरह से आपको पॉलीगन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है मेरा स्प्लिट, देखो स्प्लिट का जो ऑप्शन है, अभी जैसे आपको ये जैसे पांच प्रॉपर्टीज है इसकी, पहले इन पांचों को भी साथ में समझा देता हूँ, स्प्लिट को भी समझा देता हूँ। वर्टेक्स पे आप क्लिक करते हो तो आपके वर्टेक्स से सेलेक्ट होते हैं, इस तरह से वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ एजेस पे तो आपकी एजेस सेलेक्ट हो रही है इस तरह से। ठीक है, और बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो बॉर्डर सेलेक्ट होता है। बॉर्डर कैसे सेलेक्ट होगा, बॉर्डर अभी सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी कोई बॉर्डर है ही नहीं इसके अंदर। आप पहले किसी पॉलीगन को सेलेक्ट करो, ये देखो ये इस तरह से कोई भी पॉलीगन सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने किसी पॉलीगन को सेलेक्ट किया और उसको कर दिया डिलीट। ठीक है, अब इसके इसमें इसके अंदर क्या बचा है, सिर्फ इसका बॉर्डर बचा है। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो देखो मैं यहाँ बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसके अंदर किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, वापस से कंट्रोल राइट करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको कैप कर देता हूँ वापस से, तो ये वापस से बंद हो जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आता है एलिमेंट का। ठीक है, तो एलिमेंट जैसे अभी आप एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा एक सिंगल एलिमेंट बना हुआ है। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट तो आपका ये एक ही रहेगा, बट अगर आप उसको स्प्लिट करोगे तो ये जैसे एलिमेंट को कब कैसे किस तरह से यूज में करोगे अभी बताता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पे यूज करो एज, एज को ले लो, यहाँ से मैंने कोई एक एज को सिलेक्ट किया, एज को मैंने सिलेक्ट किया, देन आप इसके अंदर लूप लगा दो। लूप लगाया तो मैंने क्या हुआ, ये आपकी जो है एज चारों तरफ से सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्प्लिट को यूज किया, ठीक है, स्प्लिट कमांड को मैंने यहाँ से यूज किया। अब क्या होगा, आप अगर नॉर्मली सिलेक्ट करते हो तो देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, अभी पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ नॉर्मल में इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखो पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। बट अगर इसके अंदर मैं एलिमेंट लगाऊंगा तो एलिमेंट वो दोनों अलग अलग सिलेक्ट होंगे, ये एलिमेंट अलग सेलेक्ट होगा और ये एलिमेंट अलग सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट का रोल रहता है। अब इसमें मैं क्या है कि इसको अलग सेलेक्ट करके इस पर कोई भी ऑपरेशन अलग से लगा सकता हूँ, जैसे मैंने इसको मूव किया है, कुछ भी आपको लगाना इस तरह से इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज के अंदर वापस से चलते हैं, एज से और क्या क्या आप काम कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो जैसे एक्सट्रूड है मेरा, ठीक है, एक्सट्रूड में सेम मतलब जैसे इसने एक वर्टेक्स का एक्सट्रूड किया था, सिमिलरली आप किसी एज को पकड़ोगे तो एज को एक्सट्रूड कर देगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एज को एक्सट्रूड कर दिया इसने इस तरह से, ठीक है। इसमें कोई चेंज करना है तो इस तरह से चेंज कर लो, ठीक है। इसको फाइनल करना है राइट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब इस वाली मान लो इसके वर्टेक्स वाली एज में मेरे को चैम्फर लगाना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर मेरे को मान लो चैम्फर लगाना है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपका देखो सेगमेंट एक है, पहले तो इसको चैम्फर की वैल्यू को इंक्रीज करो, चैम्फर की वैल्यू आ गई। अब सेगमेंट एक है आपका, देखो यहाँ पे जो है आपको एक सेगमेंट, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, दो करता हूँ, तीन करता हूँ। ये वाली गोलाई जो है आपको चैम्फर से बहुत अच्छी मिल जाती है, इसलिए एडिटेबल पॉली के अंदर चैम्फर का जो रोल रहने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा इसकी हाइट वगैरह आपको चेंज करनी है, ठीक है, जो भी चीजें चेंज करनी है, बाकी प्रॉपर्टीज को आप ट्राई करके देखिए इसके अंदर। जैसे मान लो कि इसमें मैं इसको अप्लाई करता हूँ, जैसे मान लो ये आपको कोई यहाँ से बॉक्स हो गया, और बॉक्स का मान लो ये ढक्कन टाइप से अपन ये बना दिया, यहाँ से मान लो मेरे को इसको राउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, एज वाला है मेरा ऑप्शन, एक एज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ लूप। अब देखो इस तरह का जो है, जिस सरफेस में आपकी चेंजिंग हो गई है उसके अंदर ये सारा लूप सिलेक्ट नहीं होता है, तो आप एक साइड का लूप सिलेक्ट हुआ, ठीक है, फिर कंट्रोल के साथ आपको यहाँ क्लिक करना है और फिर यहाँ लूप पे प्रेस करना है, तो ये दूसरे साइड का भी लूप सिलेक्ट हो गया। देन कंट्रोल प्रेस करके एक साइड को और क्लिक करना है, देन लूप पे क्लिक किया, तीसरे साइड का भी सिलेक्ट हो गया। देन कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे क्लिक करना है मेरे को इस पे, और यहाँ लूप पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे चारों तरफ का जो लूप है वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे को चैम्फर अप्लाई करना है, चैम्फर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी है कि आपको कितना चैम्फर चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर कितने सेगमेंट्स चाहिए, सेगमेंट्स को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, एकदम कम कर दोगे तो देखो ऐसा चैम्फर पर स्टाइल में आ जाएगा जीरो पे, जैसे जैसे एक एक बढ़ाओगे इस तरह से वो राउंड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके आप यहाँ से राइट कर दो तो वो प्रॉपर्टी यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से सेगमेंट को ऑफ करोगे तो देखो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके का, ठीक है। नॉर्मली जब आप चैम्फर बॉक्स लगाते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सारे साइड से चैम्फर होता है, इस फेस पे भी चैम्फर होगा, नीचे वाली फेस पे भी चैम्फर हो जाएगा, यहाँ से भी चैम्फर हो जाएगा, सब साइड से चैम्फर हो जाएगा। बट आपको पर्टिकुलरली किसी एक फेस पे चैम्फर करना है तो आपको एडिटेबल पॉली लगाना ही लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें अभी सिर्फ एक फेस पे चैम्फर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस से इसको एज फेसेस कर देता हूँ, क्योंकि मेनली भी आपको फेसेस का ही रोल सारा समझना है। इसके अंदर जैसे आगे आपका आता है टारगेट, वेल्ड, ब्रिज, ये सब। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एज को यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है, या टारगेट वेल्ड कर देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से सीधा सेलेक्ट करके इस पे ले आता हूँ। अब देखो टारगेट वेल्ड जब मैं करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये इसको इससे कनेक्ट तो कर रहा है, वेल्ड तो कर रहा है, बट ये आसपास वाली जो आपके सेगमेंट्स हैं उनको भी साथ में इंक्लूड कर रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ जिस पॉलीगन पे मैं सेलेक्ट करूँ उसी पॉलीगन को वो इससे अटैच करे। तो आप टारगेट वेल्ड की जगह ब्रिज को यूज करो, जैसे मैं यहाँ से इस वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी टारगेट वेल्ड लगा हुआ है, पहले उसको ऑफ करना पड़ेगा आपको। देन यहाँ से एज लिया आपने, एक एज मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ नीचे वाला एज सेलेक्ट किया, दोनों एज को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ब्रिज। ब्रिज मैंने किया तो इस तरह से ब्रिज हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ब्रिज की क्या प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, जैसे ब्रिज के मान लो वो सेगमेंट्स आपको देखने हैं। दोबारा से मैं करता हूँ ब्रिज को, जैसे यहां से आपने एक एज फेस को, दो एज फेस को सिलेक्ट किया, देन ब्रिज पे मैंने क्लिक कर दिया था। ब्रिज पे क्लिक मत करो, सेटिंग्स पे क्लिक करो। सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, अब आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। अभी जैसे 5 सेगमेंट्स आ रहे हैं, सेगमेंट्स को और इंक्रीज कर सकता हूं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इनकी पोजिशन अगर मेरे को चेंज करनी है तो वो कर सकता हूँ मैं, और यहाँ से स्पेसिफिक एज लेनी है, यूज एज सिलेक्शन करना है, तो वो सब चीजें मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा ब्रिज के अंदर, कि जो ब्रिज आपने किया उस पर कितने सेगमेंट्स आपको चाहिए, उस पर ओके कर दो तो इतने सेगमेंट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आपका बसता है कनेक्ट। कनेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, क्योंकि एजेस वाले मामले में जो है इसको आप बहुत ज्यादा काम में लेते हो। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज में मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एज पकड़ा और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा मैंने और यहाँ से मैंने कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट करते यहाँ पे आपके क्या हुआ, एक एज बन गई, सॉरी आपने वही गलती की, दोनों को सेलेक्ट किया, कनेक्ट पे क्लिक नहीं करना है, कनेक्ट के पास वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज आ गई। अभी एक आ रहा है, दो चाहिए दो ले लो, तीन चार पांच जितने भी चाहिए। वॉल का पूरा पैनलिंग बनाना है, पूरा पैनलिंग बना सकते हो आप, अलग 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 उसमें कटिंग कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो चीज कर सकते हो। यहाँ से कम किया, यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन मान लो दो या तीन है आपके, मतलब दो कर देता हूँ समझने के लिए, आपने दो किए मैंने, इन दोनों के बीच में स्पेस कम या ज्यादा करना है, तो यहाँ से मैं इसको स्पेस को कम या ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मान लो आपको इसकी पोजिशन चेंज करनी है, तो इस तरह से मैं इसकी पोजिशन को इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से राइट करूंगा, ये मेरा ओके हो जाएगा। तो ये मेरा होता है क्या होता है कनेक्ट। अब कनेक्ट क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये तो दोनों क्या था, इनके दोनों के बीच के अंदर कोई भी एज नहीं थी। अब अगर मान लो कुछ दो ऐसी एजेस को सिलेक्ट करते हो, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों के बीच में ये वाली एज है, और अब आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट ये कब होगा, जब आप इसको भी सिलेक्ट करोगे, तो कंट्रोल के साथ जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब देखो अब यहाँ पे एज दिखाने लग गया ये। अब यहाँ पे जितना भी दो तीन आपको चाहिए इस तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। या फिर मान लो ऐसा भी इस तरह से भी नहीं करना है आपको, आपको चाहिए कि अभी जैसे तीन हुआ है, पूरा मैं रिंग बना लेता हूँ इसकी, जैसे पूरा रिंग बनानी है आपने इसका, और अब आपको मान लो इसमें चाहिए कनेक्ट, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये सारे में कनेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितनी एजेस चाहिए, जितने सेगमेंट्स चाहिए उतने सेगमेंट्स में आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इनका स्पेस जो है वो कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ से जो इनकी पोजिशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन यहां से मैं ओके कर देता हूं तो ये फाइनल हो जाएगा इस तरह। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो होता है आपका पॉलीगन के अंदर जो है, पॉलीगन पे मैं क्लिक करता हूं तो पॉलीगन में भी सबसे पहले आता है इंसर्ट वर्टेक्स, ठीक है। जैसे अपन ने कोई एज के अंदर वर्टेक्स इंसर्ट किए थे, पॉलीगन मान लो कोई पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसके अंदर मैं इंसर्ट वर्टेक्स पे क्लिक कर देता हूं, तो जहां 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 पे आप क्लिक करोगे क्या होगा, इसके अंदर वर्टेक्सेस इंसर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हो वर्टेक्सेस के बेसिस पे। अब मान लो आपको एक्सक्लूड करना है, तो किसी भी पॉलीगन को सेलेक्ट किया मैंने, मान लो यहाँ पे पॉलीगन पे क्लिक किया, इसको बंद कर दो इंसर्ट वर्टेक्स को, पॉलीगन आपका सेलेक्ट है, मैंने इस पॉलीगन पे सेलेक्ट किया, एक्सक्लूड करना है, यहां से एक्सक्लूड हो गया, जितना करना है कम ज्यादा उतना एक्सक्लूड कर लो, ठीक है। और एक यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका आउटलाइन का, जैसे मैंने यहाँ पे पॉलीगन को सेलेक्ट किया, इसको एक्सक्लूड को तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है, ये मेरा एक्सक्लूड हो गया। अब यहीं पे एक ऑप्शन मान लो आउटलाइन का आता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने आउटलाइन किया, तो आउटलाइन में क्या होता है आपका, ये देखो यहां से कम और ज्यादा हो रहा है, कम और ज्यादा हो रहा है इस तरह से। तो आपको मान लो कई बार दो ऑपरेशन एक में ही लगाने हो, मान लो मैं एक्सक्लूड वाले के ऊपर ही जाके आउटलाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आउटलाइन लगाया और यहां से इसको कम और ज्यादा कर रहा हूं, तो इस वाले सेगमेंट पे आपने दो ऑपरेशन लगाए, एक तो आपने एक्सक्लूड लगाया और दूसरा आपने आउटलाइन का लगाया, ठीक है। तो आप चाहते हो कि दोनों काम आपके एक ही कमांड में हो जाए, तो देखो बिवेल कमांड यूज करो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यस को पहले मैं एक बार क्रॉस कर देता हूं,
अभी मैंने कोई भी एक पॉलीगन जैसे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ बिवेल पे मैंने यहाँ बॉक्स पे क्लिक किया, बिवेल के पास वाले छोटे से बॉक्स पे मैंने क्लिक किया। अब देखो इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ऊपर वाले बटन से आप चाहो तो इसको एक्सट्रूड कर सकते हो और नीचे वाले बटन से आप चाहो तो इसको आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो टेपर सेक्शन वगैरह ये सब चीजें बहुत आसानी से इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद इनसेट जो है ये बहुत ही शानदार ऑप्शन है, बहुत ज्यादा काम आता है आपके। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई जैसे कोई कैबिनेट बनाना है ना, या फिर कोई इस तरह से मान लो कटिंग करनी है, जैसे अभी तो आपने बुलियन से कटिंग करके और वैसे काम किया था। मान लो आपका पॉलीगन है, तो मैं बंद कर देता हूँ, आपके ये पॉलीगन्स मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहां से मैंने इसको इंसर्ट किया। पहले आप एक पॉलीगन के अंदर देख लो इंसर्ट क्या होता है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट लगाया तो देखो क्या होगा, ये पॉलीगन इस तरह से अंदर चला गया। ठीक है, तो इंसर्ट की वैल्यू का आप जितना चाहिए, अभी एक इंच का इंसर्ट आ रहा है तो आप इसको इस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहां से इंसर्ट लगा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक इंच, एक इंच से कम वैल्यू थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पा रही अच्छे से, यहाँ पे मैं एक इंच लगा देता हूँ। ठीक है, अब आप इसके अंदर चाहो तो एक्सट्रूड लगा सकते हो। सॉरी, पहले आपने इंसर्ट लगाया उसको ओके करो, देन यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करो और एक्सट्रूड को मान लो मैं पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेगी, इस तरह से वैल्यू ले लेता हूँ तो यहाँ पे इस तरह की कटिंग भी हो जाएगी, देखो इस तरह। ठीक है, तो नॉर्मली एक कटिंग तो आपकी आराम से हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मेनली अगर आपको बहुत ज्यादा कटिंग्स करनी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कैबिनेट्स वगैरह जो है वो बना के दिखाने हो, सेल्फ वगैरह बनाने हो, तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पे पॉलीगन लिया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मान लो मेरे को इतने में करना है ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे इंसर्ट लगाया, देखो इंसर्ट क्या हुआ, ओवरऑल सबके अंदर एक ग्रुपिंग की तरह काम कर रहा है, सब में एक साथ हो रहा है, पर्टिकुलरली सब में इंडिविजुअल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरो के अंदर क्लिक करो, यहाँ पे और आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एरो के अंदर आपने क्लिक किया, इसके अंदर आपको और ऑप्शंस मिलेंगे कि ग्रुप के साथ करना है या बाय पॉलीगन के साथ करना है, तो मैंने बाय पॉलीगन कर दिया इसको। अब क्या होगा, देखो इंसर्ट जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये देखो इस तरह से मैंने थोड़ा कम कर दिया, इसको यहां से ओके कर दिया। अब यहीं पे मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूं, एक्सट्रूड की जो वैल्यू आपको जितनी अंदर डालनी है उतना अंदर आप डाल सकते हो। इस तरह से मैंने डाला और यहां पे क्लिक कर दिया, तो देखो आपके जो है इस तरह से कैबिनेट जो है वो रेडी हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप पॉलीगन से और क्या ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो आपको यहां पे कोई और शेप ट्राई करनी हो, यहां मेरा पॉलीगन मैंने लिया, यहां से मैंने पॉलीगन चूज किया, कंट्रोल के साथ इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, काफी सारे पॉलीगन्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, इस साइड में भी इस साइड में भी। अब यहां पे आप इसको करो एक्सट्रूड, मैंने इसको एक्सट्रूड किया, तो यहाँ पे देखो ये एक्सट्रूड किस तरह से हो रहे हैं, ये पर्टिकुलरली इसके डायगोनल वाले डायरेक्शन के अंदर एक्सट्रूड हो रहे हैं सारे। आपको इस तरह से एक्सट्रूड नहीं करना था, आप चाह रहे थे कि पॉलीगन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सट्रूड हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरो पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टी को चेंज करना है, लोकल नॉर्मल कर दो, या एकदम आपको सब इंडिविजुअल चाहिए तो बाय पॉलीगन कर दो। ये देखो पॉलीगन जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये वाला एरिया भी फिलअप चाहिए तो यहाँ पे बाय लोकल कर दो, लोकल नॉर्मल कर दो, इस पर क्लिक, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से उसको एक्सक्लूड करना है, तो इतने टाइप से आप इसको काम में ले सकते हो। उसके बाद आपका जैसे आप ये देख रहे होगे किसके अंदर वाले फेस भी आपको दिखाई दे रही है, अंदर वाली फेस जो होती है वो हमेशा होती है ब्लैक, और बाहर वाली फेस का जो भी आपने कलर चूज किया हुआ था वो। मैं पर्टिकुलरली जैसे पॉलीगन पे क्लिक करता हूँ, अभी एक्सट्रूड कमांड लगी हुई आपके, इस पे एक्सट्रूड को मैं बंद कर देता हूँ। पर्टिकुलरली किसी पॉलीगन पे क्लिक करता हूँ, अगर आप इसको फ्लिप कर देते हो, फ्लिप कर दिया मैंने, तो देखो क्या हुआ, ब्लैक वाला सरफेस जो वो बाहर आ गया और वो सरफेस जो अंदर चला गया। जैसे लॉफ्ट कमांड के अंदर मैंने बताया था
अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक दिखाई दे तो आप उसको फ्लिप कर दो, जिससे क्या होगा आपका जो ऑब्जेक्ट अंदर वाला जो बाहर आ रहा है वो आपस अंदर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा मान लो आपको वो दो पॉलीगन के अंदर ब्रिज करना है तो ब्रिज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, सिंपल जैसा आपके एजेस के अंदर ब्रिज किया था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो इंसर्ट रहती है, ठीक है, और आपके कनेक्ट जो है एजेस के अंदर उससे भी आप काफी तरह के ऑब्जेक्ट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के लिए आपका जो है छोरी वाला पार्ट सारा। एक एक्सरसाइज को मैं एडिटेबल पॉली से आपको थोड़ा बहुत ट्राई कराता हूँ, ठीक है। एडिटेबल पॉली को मैं समराइज करता हूँ। जैसे आपने अभी तक 2D वाला पढ़ा है तो 2D में आपका दिमाग कैसे चल रहा है कि वर्टेक्स से किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, सेगमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, एस्पलाइन से करते हैं। सिमिलरली 3D में भी इस तरह से आप अपना दिमाग चलाओ कि कैसे एजेस से चीजों को चेंजेस कर सकते हैं, कैसे वर्टेक्स से चेंज कर सकते हैं, कैसे बॉर्डर से चीजों को चेंज कर सकते हैं, पॉलीगन से और एलिमेंट से अपन चीजों को चेंज कर सकते हैं। और ये जो मेन प्रॉपर्टीज है इनको आप काम में लो, एक्सट्रूड है, बीवेल है, ठीक है, इनसेट है, और सबसे मेन जो आपकी मैंने बताई थी कनेक्ट जो है आपकी, कनेक्ट से मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी कोई भी नया ले लेते हैं, इसको एक बार साइड में रख देते हैं, इसको अगर कुछ बताना हो दोबारा तो इसके अंदर बता दूंगा मैं, अदरवाइज इसका अब यूज नहीं है। अब मान लो आप कोई बॉक्स लेते हो, ठीक है, अब मान लो बॉक्स के अंदर आप सेगमेंट भी अगर नहीं बनाते हो फिर भी आप एडिटेबल पॉली से बहुत सारी चीजों को ट्राई कर सकते हो। जैसे अभी तो मैंने इतने सारे सेगमेंट्स बना रखे थे बॉक्स के अंदर, अब मान लो मैं बॉक्स के अंदर कोई सेगमेंट नहीं बना रहा हूँ, ये सिंपली मैंने कोई बॉक्स बनाया, ठीक है, इसमें काफी सारे सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, सेगमेंट्स को वन वन कर देता हूँ सबको, राइट क्लिक करता हूँ इन सबको पे और ये वन वन कर दिए मैंने, ठीक है। अब राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट करता हूँ एडिटेबल पॉली के अंदर, ये आपका कन्वर्ट हो गया एडिटेबल पॉली के अंदर। अब सबसे पहले जो ऑप्शन है आपके वर्टेक्स, वर्टेक्स पे मैंने क्लिक किया यहां से इग्नोर बेक फेसिंग पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया, तो आपको मान लो कोई भी टेपर सेक्शन बनाना है तो उसको कितना आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज ये 3D मॉडलिंग नॉर्मल में करने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसको मान लो टॉप व्यू पे जाते हो, इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अब आपको यहां से देखते हो पर्सपेक्टिव में आके, तो आप देखते हो कि यहाँ पे चारों फेसेस जो है सिलेक्ट हो चुकी है। तो आपका इग्नोर बैक फेस जो है वो आप तब वर्क करता है जब आप पर्सपेक्टिव व्यू में काम कर रहे हो। अगर टॉप व्यू में जाके आपने इस तरह से सिलेक्ट किया तो वो सारे वर्टेक्सेस को नीचे भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपको अगर इस तरह से इसमें कोई चेंज करना है तो इस तरह से मैं आपको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे चारों वर्टेक्स इस तरह से सिलेक्ट है, ठीक है। अब मान लो अपन बेसिक कोई इसको ट्राई करते हैं कोई डायग्राम को, जैसे मान लो नॉर्मली मैं इस तरह से कोई सोफा बनाना चाह रहा हूं, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से एडिटेबल पॉली के कौन से टूल को काम में लूं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कनेक्शन जो है वो मेरे ज्यादा काम का, तो कनेक्शन को मैं काम में लेके दिखाता हूँ। ये आपकी एज ली मैंने, एक इस एज को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, एक इस एज को मैंने सेलेक्ट किया, दो एजेस को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का, तो कनेक्ट में यहां से भी लगा सकता हूँ या फिर राइट क्लिक करके यहां से भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट लगाया मैंने, इसकी पोजीशन को जो है आपको कहां पे रखना है वो डिसाइड किया। मान लो यहां पे मैं इसकी पोजीशन को रख देता हूं, ठीक है, यहां पे क्यों रखी भी बताता हूं आपको। उसके बाद मैंने एज से इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां पे आपका कनेक्ट आता है, इस बॉक्स में मैंने क्लिक किया, नंबर ऑफ जो है वो मैं दो ले लेता हूं इस बार, कनेक्शन जो है वो मैं दो ले लेता हूं इस बार, देखो ये कनेक्ट हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था क्योंकि बीच के अंदर एक एज और आ गई है आपकी, ठीक है, तो इसको भी मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो तीनों एज को सेलेक्ट करोगे और फिर कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट होगा, ठीक है। वापस से देखो, तीनों एज को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करो, ये आपका हो गया, नंबर ऑफ जो है वो दो दे दी मैंने और यहां से इनके डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, इस तरह से मैंने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे मेरे पास पॉलीगन का ऑप्शन है, तो पॉलीगन पे क्लिक करके मैं सबको अलग अलग फेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ,
इसको अलग से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनको सबको अलग से सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सक्लूड की वैल्यू आपको जितनी देनी हो उतनी वैल्यू आपने एक्सक्लूड की दे दी। इस तरह से सोफा टाइप से मैं कुछ मान लो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से मैंने इसको दिया, और यहाँ पे आप देखो क्रॉस करो, वापस से सेलेक्ट करो सबको कंट्रोल के साथ, यहाँ पे लगाओ एक्सट्रूड, देन आप वैल्यू को फाइनल करके और यहां से राइट कर दो। ठीक है, इतना मेरा इस तरह से क्रिएट हो गया सिंपल। अब आपको मान लो यहाँ पे नीचे जो है इसके लैग वगैरह बनाने, तो इसके अंदर भी मैं कनेक्ट को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट को कैसे यूज करोगे उसको देखो अच्छे से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एज पे क्लिक करो पहले, और यहाँ से दोनों एज को सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ, मैंने दोनों एज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस पर क्लिक किया, और बीच के अंदर मेरे को दो एजेस चाहिए। ठीक है, दो एजेस आ गई, इसको राइट कर दिया आपने। अब मेरे को इधर भी दो एजेस चाहिए, तो इनका मैंने क्लिक किया। अब आपको चार एजेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, एज पे मैंने क्लिक किया, ये आपकी हो गई कंट्रोल के साथ, मैंने फर्स्ट सेकंड ये थर्ड और ये फोर ये सेलेक्ट हो रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो एजेस आपकी और आ गई। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, तो आपके चारों पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। सॉरी, पॉलीगन पे पहले सेलेक्ट करो, पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, मैंने चारों पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बताया था बिवेल का। बिवेल में क्या होता है, एक्सट्रूड और आउटलाइन मेरा दोनों एक साथ लग जाता है इस तरह से। अब इसकी हाइट आपको जितनी बढ़ानी है उतनी आप हाइट बढ़ा लो, पहले देख लो आपको यहाँ से क्या क्या रेशियोज या कैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से मैंने इसकी हाइट बढ़ा ली, और इस तरह से आपको इसके आउटलाइन को थोड़ा कम या ज्यादा इस तरह से सेट करना, तो वो मैंने सेट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरे बीच वाले पार्ट को, इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज करना चाहता हूँ। यहाँ से पॉलीगन किया, और यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, कितना एक्सट्रूड करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कर दिया, सॉरी वापस से पॉलीगन सेलेक्ट करो, यहाँ पे जो भी पॉलीगन्स बन गए हैं उन पे क्लिक करो, एक्सट्रूड पे क्लिक करो, एक्सट्रूड की मान लो ये वैल्यू दे रहा हूं मैं, यहां से मैंने राइट क्लिक किया, अब मेरा ये चीज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मान लो आपको यहां से और ज्यादा यहाँ पे और चाहिए, जैसे मान लो ये कनेक्शन मैं यहां से बनाना चाह रहा हूँ, पहले एज पे क्लिक करो, एज पे मैंने क्लिक किया, एक आप यहाँ पे बीच में कनेक्शन लेना चाह रहे हो, यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ बीच में इसको कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद किया मैंने, बीच में आ गया मेरा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ इस तरह से, जो भी आप चेंजिंग करना चाहो इसके अंदर, एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, एज बनाया, ओके किया, अब इस एज को यहाँ से सेलेक्ट किया, और कुछ इस तरह से मैंने मान लो बना लिया। कैसा भी डिजाइन बना सकते हो आप, मैं आइडिया के लिए बस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मान लो ये वाली एज मैंने सेलेक्ट कर रखी है, इसको आपको थोड़ा सा फिलेट करना हो, सॉरी चैम्फर करना हो, चैम्फर पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा चैम्फर कर देता हूँ, बेटर तरीके से कैसे वो दिखाने दिखने लग जाए। यहाँ से इसको थोड़ी स्मूथनेस दे देता हूँ, यहाँ से मैंने थोड़ी स्मूथनेस दे दी। ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल जेड करो आप, इन दोनों को एक साथ करो आप, जैसे यहाँ पे ये वाली एज सेलेक्ट किया आपने कंट्रोल के साथ, इसको और इसको भी सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी कंट्रोल के साथ इसको इसको और इसको मैंने सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया।
उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लगाया चैम्फर। ये देखो ओवरऑल एक साथ चैम्फर हो गया सब में। अब यहाँ पे जितना आपको ये चीजें बढ़ानी है या जितना ये चीजों को राउंड देना है उतना राउंड आप दे सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, इनकी हाइट वगैरह थोड़ा चेंज करना हो तो यहाँ से तो क्रॉस करता हूँ एक बार। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, लूप पे क्लिक कर देता हूँ। लूप पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया कंट्रोल के साथ और यहाँ लूप पे क्लिक कर दिया, देन यहाँ पे इसको चैम्फर दे दिया। जितना भी आपको चाहिए यहाँ, एक्चुअली कहीं पे भी बाहर गलती से क्लिक नहीं हो, इसी वजह से ये बार बार छूट जाता है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं बाहर जाता हूँ और इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लूप पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया कंट्रोल के साथ, देन लूप पे क्लिक किया, ये आपका सेलेक्ट हो गया, देन आपने चैम्फर पे क्लिक किया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा चैम्फर आ गया। अब जैसा भी आपको चैम्फर इसमें प्रॉपर्टी चेंज की, उसके बाद सीधा आपको यहाँ राइट पे क्लिक करना है, बाहर कहीं क्लिक नहीं करना, तो ये आपको इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हैंडल वगैरह के अंदर यहाँ पे मान लो कुछ चेंजिंग करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप इसको दोनों को साथ में सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मान लो मेरे को चैम्फर डालना है, तो इस तरह से मैं चैम्फर डाल देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ये मेरा चैम्फर आ गया इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इसको एडिट करके और वो चीजों को कर सकते हो। और इसमें जैसे मोस्टली जैसे एक मैंने आपको तरीका बताया था कि बाहर से किस तरह से टेक्सचर आप ले सकते हो, तो अभी वो प्रॉपर तरीका तो वो नहीं है टेक्सचर लगाने का, वो मैं आगे कराऊंगा आपको, बट नॉर्मली आप ऐसे लेके भी एक बार इस पे लगा के ट्राई कर सकते हो चीजों को। ठीक है, इस तरह से मैंने इस पे लगा दिया। अब इस पे मैं टेक्सचर क्यों लगा के दिखा रहा हूँ, इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि अब मान लो आप किसी फेस पे थोड़ा सा अलग टेक्सचर चाह रहे हो, आप चाह रहे हो इस पे अलग हो मेरा, तो आपने पॉलीगन को सिलेक्ट किया, ये जैसे पॉलीगन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इस पे मैं अलग टेक्सचर लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ से ये वुड का नीचे से टेक्सचर लिया और यहाँ मैक्स के अंदर आया, यहाँ से वुड का टेक्सचर लिया, मैक्स के अंदर ओपन किया, सॉरी दोनों ओपन हो गए। यहाँ से आपने एक टेक्सचर को पकड़ा, ये दोनों सेलेक्ट है, एक को सेलेक्ट करना है, मैक्स के अंदर लाए और जो पॉलीगन आपने आपका सेलेक्ट है वहां पर इसको लाके ड्रॉप कर दो। तो ये देखो उस पर्टिकुलर फेस का भी आप टेक्सचर चेंज कर सकते हो। ऐसा अभी तक आपने जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए उस पर सारे पे एक ही टेक्सचर अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर आप क्या है जहां जहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो वहां पर इन चीजों को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको मान लो इन सब चीजों पर चेंज करना है, मैं पॉलीगन लिया इसमें मेरे को चेंज करना है, कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, सब पे मेरे को चेंज करना है, तो यहाँ से आप ये वाला टेक्सचर लिया, मैक्स के अंदर इसको डाला और ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये सारा टेक्सचर आपका इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको एडजस्ट को बंद करता हूँ तो इस तरह से एडिटेबल पॉली से आपका ये इस तरह से क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेटर तरीके से नहीं आया है, यहाँ पे आप एज पे क्लिक करो और यहाँ पे इसको चैम्फर करो प्रोफाइल को, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस प्रोफाइल को थोड़ा सा चैम्फर करना है अपने। ठीक है, ये देखो कहीं कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है अभी, क्योंकि क्लास के अंदर थोड़ा अपने जल्दी में बना रहे इसको, तो आप चीजों को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कीजिए, एक एक मॉडलिंग को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल आपका काम हो जाएगा एडिटेबल पॉलीसी। ठीक है, चलिए तो और करते हैं क्लास को। और उसके अलावा एक एक्सरसाइज तो मैंने आपको दी थी, ठीक है, दो तीन बच्चों ने तो भेजी है, बाकी बच्चों ने जो है एक्सरसाइजेस मेरे को भेजी नहीं है। प्लीज, अब आपका जो कोर्स है वो काफी आगे निकल चुका है, तो आप एक्सरसाइजेस को ट्राई कीजिए। अब जैसे एडिटेबल पॉलीसी रिलेटेड मान लो एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है, जैसे गूगल पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से गूगल पे आप सर्च कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वॉल यूनिट जैसे डिजाइन करना था आपको, ठीक है, तो वॉल यूनिट डिजाइन जो है आप सिंबल वाला मत लो, अब आपको वो चीजें लो जिसमें थोड़े सेल्फ वगैरह हो, जैसे ये चीज हो गई,
है, ये वाली चीज होगी जैसे मेरे पास। जो भी आपको आसान लगे कोई भी सिंपल सा डायग्राम ले लो, उसको एक बार ट्राई करो। तो ये चीजें मान लो अभी आप जो सिर्फ बुलियन से कटिंग कर रहे थे, ठीक है, अब ये सोचो कि इनको एक्सट्रूड से कैसे मैं कटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, एडिटेबल पॉली को कैसे काम में ले सकता हूँ, आपके पास 2D से रिलेटेड सारी चीजें हैं तो 2D को भी कैसे काम में ले सकते हैं। जैसे ये वाली चेयर है तो इसको बनाने के लिए आप 2D का यूज ले सकते हो, ठीक है। ये देखो ये वाले डायग्राम से, अगर आपको एडिटेबल पॉली या कमांड से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है ना, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल के डिजाइन मिलते हैं। इतने अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको कि आपको इतना शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको आप यहाँ से सर्च करो, इंस्टॉल डिजाइन मैंने सर्च किया, अब यहाँ से जो भी आपको बढ़िया लग रहा है, ये देखो अलग अलग तरीके के, इसी बी पे मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। ये देखो इसमें इस तरह के कोई भी कलर वगैरह डाल के, मतलब इससे आपका क्या होगा कि जो आपका काम करने का जो प्रोसेस है, माइंड इन चीजों में आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो इसमें हर टाइप की कमांड आप ट्राई कर सकते हो। ये देखो ये यहाँ पे इसको इसने कर्व किया है यहाँ से, तो किस तरह से किया है, ठीक है, इसको आप ट्राई करो, ठीक है, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। जो भी आपको सिंपल लगे एक बार किसी भी सिंपल वाली चीज से आप उठाओ और उसको ट्राई करो, और जहां पे भी आपको लगे ना कि कोई पार्ट बन नहीं रहा है, जैसे मान लो किसी भी के अंदर कोई पार्ट ऐसा आपको लगे कि ये मेरे आपसे क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो मेरे को बताओ कि ये वाला पार्ट आपसे क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो उसको मैं क्लास के अंदर क्रिएट कराऊंगा। रही इनके डायमेंशंस की बात, तो डायमेंशंस में मैं आपको एक बार ऐसे ही कहूंगा कि इसको एज्यूम कर लो, ठीक है। जैसे मान लो ये है मेरा कोई साइज, तो इसको मान लो कि ये जैसे 12x20 का है या 12x24 का मान लो इसको लगभग, ठीक है, एक बार डायमेंशंस को एज्यूम कर लो। डायमेंशन एज्यूम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ डाल दो इंस्टॉल डिजाइन विद डायमेंशन, डाल दो तो वो डायमेंशन भी दिखा देगा वो आपको। विद डायमेंशन डाल दिया मान लो मैंने, तो यहाँ पे देखो उस डायमेंशन के साथ ये दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आपको डायमेंशन थोड़ा सा कम मिले तो आप यहाँ पे जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर को डालो, फर्नीचर के डायमेंशन अच्छे से दिखा देगा। फर्नीचर डिजाइन विद डायमेंशन, विद डायमेंशन आपने डाला तो ये देखो इस तरह से सारे डायमेंशन आपको दिखा रहा है। ये देखो फर्नीचर की जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, बहुत अच्छे से इसने डायमेंशंस को बता रखा है, ठीक है। जहां पे भी आपको मान लो कोई यूनिट मेंशन नहीं होती है तो वो एमएम के अंदर होती है, ठीक है, 1800 mm या फिर इस तरह से, ठीक है। नॉर्मली आपको फिट इंचेस में भी दिखा सकता है, एमएम के अंदर भी दिखा सकता है, मीटर के अंदर भी दिखा सकता है, ठीक है। तो किचन वगैरह के भी आपको यहाँ से डायमेंशन वगैरह मिल जाएंगे। मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और ज्यादा इमेजेस को देखने के लिए, सोफा टेबल लैंप ये सब चीज हो गई यहाँ पे आपके। ये देखो जहां से यहाँ पे ये कोई डायग्राम है इसका सिंपल, इसको आप एडिटेबल पॉली से भी ट्राई कर सकते हो। अब इसको पहले आप ट्राई करते थे बॉक्स से, ठीक है, बॉक्स से बनाना ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था, अब एजेस बना के आप एडिटेबल पॉली से इसको 1 सेकंड में इसको डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ट्राई करो। फर्नीचर में आपके सारे डायमेंशन देखो 24x24 इंच का दे रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरा एंथ्रोपोमेट्री तो बहुत अच्छे से दे रखी है आपके, गूगल पे ऑन करके आप देख सकते हो, अलग अलग साइजेस दे रखा है, जैसे वाश बेसिन है, ठीक है, तो ये कितना हाइट पे कंफर्टेबल रहेगा, 90 सेंटीमीटर पे इसकी हाइट जैसे यहाँ से दे रखी है, यहाँ से आपका कैबिनेट जो है वो इतना ऊपर है, ठीक है। तो अलग अलग आप डाल दो, किचन डाल दो, विद डायमेंशन डाल दो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, विद डायमेंशन आप डाल दो। ये देखो यहाँ पे ये देखो इसके अंदर प्रॉपर डायमेंशनिंग दे रखी है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को आप ट्राई करो, जैसे आप एडिटेबल पॉली पे या जो भी जो आपकी एडवांस कमांड हो रही है उन पे आप अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। आज वाली क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बातचीत करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए आप, अब बहुत ज्यादा जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है, चलिए करते हैं।